ईएमआई चल रहा है एलएनटी फाइनेंस की तरफ से, आपका ईएमआई तो पेमेंट हुआ लेकिन आपका पेनल्टी चार्जेस पेमेंट नहीं हुआ है, लेट पेमेंट होने के कारण जो फाइन लगा है आपका वो मैं दे दूंगा अगला साल। अगला? हाँ अगला साल दूंगा। अगला साल? हाँ सर, ये जो 1723 रुपया लगा है फाइन, नेक्स्ट ईयर में आप पेमेंट करेंगे ना ये डबल हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, हर महीना इसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, 1700 जाकर 5000 हो जाएगा अपन नेक्स्ट साल में। अरे तब तक मेरा लॉटरी लग जाएगा। तब तक आपका लॉटरी लग जाएगा सर, आपको मजाक लग रहा है क्या? अरे लग जाएगा, रोज खेलता हूँ। आपको तो शायद मजाक ही लग रहा है कि ईएमआई लिया है ठीक टाइम से भी पेमेंट नहीं कर रहा है, पेनाल्टी भी कर रहा है, कंपनी से कॉल आ रहा है तो हम उनसे मजाक कर रहे हैं। क्या करें, आप लोग डांटने के लिए कॉल करते हैं तो हम लोग सोचा थोड़ा मजाक ही कर ले। ऐसे ही आप बैठे रहिए, आपका 15 ईएमआई दिया है भी इतना लेट इतना खराब करके पेमेंट किया है कि ठीक है आप देखिए अगला साल ही दीजिएगा, ये डबल हो जाएगा नेक्स्ट महीने में, देखिए ना कितना डबल होगा। कितना होगा? 1723 से पेमेंट करवाई ऑनलाइन। हाँ वही करवा लूंगा अगला साल। वैसे इंटरेस्ट कितना गिरता है? 0.3% करके 4.8% आपका ईएमआई अमाउंट के ऊपर मंथली पड़ता है। अच्छा हाँ जी ठीक है, पक्का अगला साल करवा लूंगा। पेमेंट कब करेंगे सर? अगला साल जी, बर्थडे को, मेरा साल? मेरे बर्थडे पे। आपके बर्थडे पे क्यों सर, जब ईएमआई लिए थे तब क्या बोले थे आपने? ऐसे में कोई बताया नहीं था ना कि बर्थडे पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट तो कोई था नहीं। सुनिए ना, आपको अगला साल क्यों पेमेंट करना है, आपको आज या कल पेमेंट करना है? नहीं मैं तो बर्थडे पे करूँगा, वो बर्थडे पे मुझे पैसा मिलता है ना थोड़े, तो उसी पैसे से पेमेंट कर दूंगा। गाड़ी चलाते तेल नहीं भरते गाड़ी में जी? वो दो आपका सुनिए हाँ बोलिए। गाड़ी नहीं लिया है, उधार लेके गाड़ी खरीदा है, फिर गाड़ी में घूम रहे हैं ना, वो गाड़ी मत चलाइए, वो गाड़ी आप मत चलाइए, आपको दे दूंगा मैं। साइकिल चलाइए, एक काम कीजिए आप अपना एड्रेस।